आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिबरिंग। डिबरिंग एक्चुअली है एक एकदम नॉर्मल चीज, और ये सॉफ्टवेयर में एक नया प्रोग्राम ऐड हुआ है। डिबरिंग वैसे देखने जाए तो सिंगल पास मशीनिंग एकदम बोले तो सेकंड में प्रोग्राम हो जाता है, और डिबरिंग करने से काफ़ी सारे फायदे हैं। तो डिबरिंग एक्चुअली अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं था, ये नई सीरीज में ये प्रोग्राम आया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। और डिबरिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सब सिलेक्शन कैसे करते हैं, डिबरिंग कैसे होता है, तो वो पूरा हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं पीयूष गज्जर स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल रेडियंट कैटेगरी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिबरिंग का प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको आगे बताया क्लिप में, तो आइए पूरा डिटेल में देखते हैं कैसे डिबरिंग होता है। तो ये एक प्लेट मैंने अभी ओपन करके रखा हुआ है, ये प्लेट में मुझे डिबरिंग करना है। मैंने MCS सेट कर दी है, वर्क पीस सेट कर दिया है, क्रिएट ऑपरेशन, और यहाँ से मुझे करना है मिल कंटूर और मिल प्लानर, दोनों जगह पे आपको डिबरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा इसमें, ठीक है, मिल प्लानर डिबरिंग, और यहाँ पे है कंटूर में 3-axis डिबरिंग। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये ओके। तो यहाँ से मैं टूल क्रिएट करूँगा। अब इसके अंदर आप टूल में बॉल नोज और स्फेरिकल मिल दो ही यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग बॉल मिल यूज कर लेते हैं, ये ओके। 6 mm का डायमीटर रख देते हैं, ये ओके। और यहाँ से जियोमेट्री में जाके वर्क पीस है ऑलरेडी मेरा, और यहाँ से मैं करूँगा जनरेट। तो ये हो गया आपका डिबरिंग का प्रोग्राम। आप देख सकते हो कि सब जगह पे ये डिबरिंग होके अपने को मिल जाता है, जबकि मैंने ओनली फॉर टूल सिलेक्ट किया है और कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। अब इसमें हम लोग डिटेल में देखते हैं, तो मैं ये थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये डिबरिंग का सब जगह पे मुझे डिबरिंग मिल गया है। अब यहाँ से मैं मेन में जाके आपको पैरामीटर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑटोमेटिक एज डिटेक्शन, जो भी है एज डिटेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पे नहीं चाहिए वो कैसे नहीं कैसे सिलेक्ट करना है, कि जहाँ पे मुझे मानो कि मुझे यही एरिया में चैम्फर चाहिए, तो वो कैसे सिलेक्शन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मिनिमम एज एंगल है जो बाई डिफॉल्ट 40 डिग्री दिया हुआ है, आप चाहिए तो वहाँ पर प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ से आपको डेप्थ कितना जाना है, जैसे कि अभी यहाँ पे 0.5 डिफॉल्ट है, तो ये 0.5 यहाँ पे ये डिबरिंग कट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.2 कर देते हैं, ठीक है, ये मेरा डीप हो गया। उसके बाद जियोमेट्री में मुझे कोई सिलेक्शन नहीं करना है, एक्सिस ऑर्डन सेम रहेगा, 3-axis प्लस ZM-axis। फीड एंड स्पीड है, तो ये यहाँ पे आप फीड एंड स्पीड डाल सकते हो। यहाँ पे चलो ये भी डेटा फिल कर देते हैं, 6 का बोलनो से मुझे 3200 RPM चाहिए और 1200 की फीड चाहिए, ठीक है। ये रैपिड वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी अगर डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, तो ये भी एक अलग से हम लोग इसके ऊपर चैप्टर पूरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद आते हैं स्टेटर्जी में क्लाइंब कन्वेंशन, मल्टीपल पास ऐड करना है तो आप यहाँ से मल्टीपल पास ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से मुझे नंबर ऑफ पासिस में 2 पासेस चाहिए, अभी ये सिंगल पासेस आ रहे हैं। यहां से ये डबल पासेस हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको कम कट लेते हुए मारना है तो आप डबल पासेस भी यहां से कर सकते हो, जो चाहिए हो, अदरवाइज यहाँ से हम लोग ये हटा सकते हैं। और यहाँ से राउंडेड और फ्लैट दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो, सेप कौन सा आपको मेंटेन करना है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे कॉर्नर ट्रिम कर सकते हो, रिलीफ कर सकते हो, रिलीफ विद लूप भी दे सकते हो। यहाँ से पैटर्न है, एक्सटेंशन डिस्टेंस है कि आपको एक्सटेंड करना है तो यहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद आते हैं नॉन कटिंग मूव्स में। अगर भी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसका बैकग्राउंड है ना ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, ये डार्क हो गया। अब ये आप देख सकते हो ऊपर जो आ रही है ये सब स्प्लाइन है। चलो इसे वेरीफाई करके देखते हैं एक बार कि ये हो क्या रहा। तो यहां से हम लोग स्लो रखेंगे, प्ले करेंगे, तो कुछ ये टाइप से देखो, ये स्प्लाइन में उठ के यहां से ऐसे जा रही, ये पूरी ऐसे स्प्लाइन में, मतलब कि जब ये आपका रैपिड मूव जो हम लोग बोलते हैं, जो एयर पासिस है, उसमें भी आपका एक्स वाई जेड तीनों मूव करेगा, क्योंकि ये पूरा स्प्लाइन में, इसे स्प्लाइन हम बोलते हैं कि स्प्लाइन में ऐसा पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स वाई जेड तीनों तीन मेरे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर आपको चेंज करना है तो इसका सेटिंग्स आता है, ये एक तो हो गया एंगेज एंड रिट्रैक्ट, ठीक है, आर्क नॉमिनल रेडियस कितना चाहिए वो, और मिनिमम कितना चाहिए वो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर टाइप है, तो ट्रांसफर टाइप में एक तो है ब्लाइंड स्प्लाइन जो भी है हमारा, और यहाँ से हम दे देंगे क्लियरेंस। अगर आपको कॉर्नर स्मूथ करना है तो यहाँ से हम लोग कॉर्नर स्मूथ कर सकते हैं, नीचे रेडियस आ जाएगा कॉर्नर रेडियस, बट ये नहीं मुझे करना है। और यहाँ से आपको कितना सेफ क्लियरेंस डिस्टेंस चाहिए वो दे देना, ठीक है। तो ये जनरेट, तो ये जो था मेरा ये स्प्लाइन की जगह पे अब मेरा ये नॉन कटिंग मूव्स जो रैपिड पाथ है मेरे उसमें ये ट्रांसफर हो गया। अब हमें एक सेटिंग्स और देखना है। एक हो गया मेथड, यहाँ पे ये आप सब सेम है, यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे सपोज ये जो होल है वहाँ पे और ये जो जिस पे आ रही है यहाँ पे मुझे डिबरिंग नहीं करना है, ठीक है। तो जहां पे भी आपको डिबरिंग नहीं करना है वो एज यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि ये एज पे नहीं करना है, इस पे नहीं करना है, इस पे नहीं करना है, ठीक है, यहां पे नहीं करना है, ये होल में नहीं, ये होल में नहीं, यहां पे भी नहीं। जितने जितने मुझे जहां जहां पे चैम्फर नहीं चाहिए, सॉरी डिबरिंग नहीं करना है, वो एज मुझे यहां पे सिलेक्शन करनी है। अभी ये एक बाकी है यहाँ पे, तो अब इतनी जगह पे मुझे डिवरिंग नहीं करना है, ये ओके। और ये हम करेंगे यहां से चंद्र, तो ये शायद मुझे ये अंदर वाली बाकी रह गई, तो वहां पे भी आ रही है, ये पांच जगह पे अंदर जा रही है, वो भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एक, ये एक यहां पे और एक यहां, ये ओके, और ये जनरेट। तो ये अब जहां जहां पे हमें चलानी है वहीं पे ये चल रही है। ये भी डिसलेक्ट करना है, आप डिसलेक्ट कर सकते हो, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो यहां से हम ऊपर का ही टॉप अगर सिलेक्ट करते हैं ये वाला, तो वही आपको रखना है, अदरवाइज आपको बाकी के सब एजेस वहां पे सिलेक्ट करके हटा देना। तो यहां से आप ऐसे हटा सकते हो, दूसरा यहां से ये हटा दो और फिर यहाँ पे स्पेसिफाई एज कर दो, दोनों टाइप से कर सकते हो। यहाँ पे अभी हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं ये पूरी लिस्ट में से जाके डिलीट। अब यहां से मैं कर देता हूं कनेक्टेड को, ये को, ये सॉरी टेंजेंट को कर देते हैं, अब सपोज मुझे इतना ही चाहिए डिवरिंग, इतना ही करना है, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये ओके और ये चंद्र।
तो जो आपने सिलेक्शन किया है वहीं पे आपको प्रोग्राम मिलेगा। तो ये आप दोनों टाइप से यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी रख सकते हो और यहाँ से आप मैनुअल स्पेसिफाई भी करवा सकते हो। तो ये एक प्रोग्राम डिबरिंग, थ्री एक्सिस डिबरिंग नया ऐड हुआ है। तो ये आपको कैसा लगा ये जरूर बताना, और यहाँ से आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये हमारी एनएक्स 22-12 की सीरीज स्टार्ट हुई है तो इसमें काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।